ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर साधा जमकर निशाना। साथ ही बात होगी बलरामपुर की, जहां चल रहा है अंग्रेजी शराब में पानी मिलावट करने का खेल। और बताएंगे कैसे पाकुड़ में डीबीएल कोल कंपनी के द्वारा कोल परिवहन दर घटाने को लेकर कोल ट्रांसपोर्टर संगठन ने उपायुक्त को दिया आवेदन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आजमगढ़ से, जहां सरकार लोकतंत्र और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। एक तरफ देश में 2024 के चुनाव को लेकर माहौल गर्म है, तो दूसरी तरफ पूर्वांचल की आजमगढ़ सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। ये सीट लगातार समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही, मगर 2022 के उपचुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब रही। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि शासन और प्रशासन की मशीनरी का पूरा दुरुपयोग करके ये लोग हमारी आवाज़ तथा लोकतंत्र को दबाना चाह रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे बताया कि जनता उनके वादों और इरादों से ऊब चुकी है, अब इनके झांसे में आने वाली नहीं। 2024 में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। प्रचार प्रसार कल हो रहा था, कभी आपके साथ भाभी जी आई थी, तो वहीं आपके घर की सदस्य अपर्णा यादव और मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम आके प्रचार प्रसार करें, क्या लग रहा है सर इस बार चुनाव? मुझे खुशी है कि बीजेपी के दिल में जितनी तमन्नाएं थी वो सारी पूरी कर ली। जी, यहीं पे बॉर्डर पे प्रधानमंत्री जी होके गए, मुख्यमंत्री कितने बार आए मुझे याद भी नहीं, पता चलता था कि आज सबरी में, आज मेरनगर में, आज राजनगर, मुझे नहीं याद, एक्चुअल में नहीं याद है। और बाकी भी बीजेपी के कई बार प्रदेश अध्यक्ष के बारे में सोचता है कि वो घूम रहे हैं। अच्छी बात यह है कि उन्होंने तमन्ना पूरी कर ली बीजेपी के लोगों ने, प्रचार प्रसार के लिए स्टार प्रचार उतारने की, अच्छी बात है। और बाकी तो आजमगढ़ की जनता कल फैसला ले लेगी। कल राजनाथ सिंह आए थे, आए थे निजामबाद विधानसभा के पास, अतरौली आज के पास आए, तो वहाँ उन्होंने कहा अपने संबोधन में कि सपा साफ है और ये जो है कांग्रेस का हाथ छूट गया है और हाथी पस्त हो गई है, सिर्फ कमल खिलेगा इस बार, अगली बार 400 पार। हम चाहेंगे कमल को, खैर नहीं खिलेगा उनके कहने से, लेकिन हमारी इच्छा जरूर है कि बीजेपी में वो खेलते रहे, तो अपनी पार्टी में खेलें, इतना पर्याप्त है, बाकी तो कमल नहीं खेलने जाते। सर जनता से क्या अपील होगी सर? हैं, लोग मन बना चुके हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, पीडीए के जो फार्मूला है उस फार्मूले पर लोग आज खड़े हुए हैं, और इंडिया गठबंधन को मुझे उम्मीद है बहुत व्यापक सहयोग समर्थन देंगे लोग, चूँकि उम्मीदवार मैं हूँ तो स्वाभाविक तौर पर उसका लाभ मुझे मिल रहा है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर में अंग्रेजी शराब की दुकान है, जिसमें अंग्रेजी शराब में पानी मिलावट करने का खेल काफी दिनों से चल रहा है। हालांकि इस बार संभागीय उड़नदस्ते की टीम को मामले की भनक लगी और टीम के द्वारा दबिश देते हुए वाड्रफ नगर अंग्रेजी शराब दुकान में पहुंची, जहां मिलावट की घटना को अंजाम दे रहे कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। बता दें कि दुकान में रखे मैकडोवेल नंबर 1 का एक बॉटल एवं 6 PM अन्य शराब में अंतर पाया गया तथा पानी की एक बॉटल में 1 लीटर अंग्रेजी शराब अलग से रखी थी, जिसे मिलावट में इस्तेमाल करने वाले थे। इस मामले में अधिकारियों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करना चाहा, तो मॉनिटर खराब होना बताया गया। इस बात से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में अंग्रेजी शराब में मिलावट का काला धंधा किस तरीके से पनप रहा है। हालांकि मामले पर जिला आबकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्लेसमेंट कर्मचारियों के तौर पर रखे सेल्समैन दीपक गुप्ता एवं नीरज गुप्ता के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 38 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं दोनों कर्मचारियों को कार्यवाही करते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में जिला आबकारी अधिकारी सुनील कुमार सूर्यवंशी ने क्या कुछ बताया। संभागीय उड़नदस्ता सरगुजा द्वारा आकस्मिक जांच के करने के लिए वाड्रफ नगर विदेशी मदद दुकान पहुँचा था, और उनके द्वारा जाँच करने पर कुछ 2-4 बोतलों में पानी मिलावट के जाँच करने पर पाया गया। दुकान के कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण कायम किया गया है, जिसका चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। हमें सूचना प्राप्त होने पर हमने सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से दुकान से बर्खास्त कर दिया है। कितने दिनों से चल रहा था सर, और किस तरह का? पहली बार ऐसा जिले में पहली बार ये घटना सामने आई है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। बीच बीच में लगातार जाँच किया जा रहा था। किस तरह की कार्रवाई की गई है सर? धारा आबकारी एक्ट की धारा 38 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसका चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां कल गाजीपुर के आरटीआई मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए भाजपा की राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत ने आज छावनी लाइन के कलौता, सरैया, गंगा, विशनपुर और सेमरा चकफैज में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए लोगों से कहा गया। तो वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि गाजीपुर का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वीं बार आगमन गाजीपुर जनपद की धरती पर हो रहा है। आप लोग उनके विचारों को सुने और तीसरी बार देश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए संकल्प लें। इस अवसर पर जिला सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष अच्छे लाल गुप्ता, मंडल अध्यक्ष गोपाल राय, जिला मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा, सूर्यनाथ यादव, रौनक राय, मुरली कुशवाहा, पुनीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चारसिया की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां डीबीएल कोल कंपनी के द्वारा मनमाने तरीके से कोयला परिवहन दर घटाने को लेकर पुंचवाड़ा कोल ट्रांसपोर्टर संगठन के द्वारा उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल को दिया गया आवेदन। ट्रांसपोर्टर संगठन का कहना है कि डीबीएल कोल कंपनी हम लोगों को 300 प्रति टन के दर से कोयला परिवहन का भाड़ा देती थी। संगठन के अध्यक्ष ब्रिजमोहन चाह ने बताया कि अप्रैल 2024 माह से कोयला परिवहन कराने के बाद जब हम लोग मई 2024 को अप्रैल माह का बिल जमा करने गए तो कंपनी ने कहा कि बिल 300 प्रति टन से बनेगा। ट्रांसपोर्टर संगठन के सदस्य संतोष कुमार का भी यही कहना है कि हम सभी ट्रांसपोर्टर की स्थिति अत्यंत दयनीय है। पूरे महीने में मुश्किल से 50 ट्रिप ही लग पाती है, जबकि गाड़ी पार्ट्स टायर का दाम पिछले वर्ष की अपेक्षा 15-20% बढ़ गया है। महंगाई को देखते हुए हमें प्रत्येक वर्ष भाड़ा 15-20% कंपनी को बढ़ाना था, परंतु कंपनी बिना ट्रांसपोर्टरों को पूर्व में सूचना दिए तानाशाह रवैये से भाड़े को घटा दिया। ट्रांसपोर्टर संगठन उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल से गुहार लगाई है, डीबीएल कंपनी इस तानाशाह रवैये पर अंकुश लगाया जाए। ट्रांसपोर्टर संगठन ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं उनकी सुबानी। डीबीएल वैल्यू देती नहीं देती है तो डीबीएल समझे, लेकिन हमारा जहां तक अपना अनुमान है कि ये जिला प्रशासन को डिसओबे कर रहा है। जो हमारे बनोन्जन के टाइम में जो बातचीत हुई थी 311 रुपये 58 पैसा का रेट में तय हुआ था, बीजीआर उस बात को मानते हुए आज अपना काम भी कर रही है, पेमेंट भी कर रही है, समय पर सब कुछ चल रहा है। डीबीएल अपने तानाशाही रवैया के कारण डायरेक्ट बोलते हैं कि नहीं हम 302 दे रहे थे, उस पर भी हम लोग विरोध किए तो बोला नहीं 302 लीजिए, मानिए आप लोग बात को, चलिए मान लीजिए उनका बात को, ठीक है हमको भी इसमें बिजनेस करना, हम लोग बिजनेसमैन है, व्यापार आगे करना था, हमसे कर भी रहे। अचानक वो 1 अप्रैल से गाड़ी चलवाए, 30 अप्रैल तक गाड़ी चली, बिल हम लोग 10-12 तारीख को जमा कर 10-12 मई को अचानक एक नोटिस निकालते हैं 11 तारीख को ना, बिना नोटिस के, 300 रुपया का आप जो है हमको बिल दीजिए। भाई एक महीना काम करवा लिया, एक महीना 10 दिन काम कर, अब बोल रहे 300 रुपये का, ये थोड़ा सा उनका मन, जब हम लोग वार्ता भी करने गए उनका एक ही हॉटलाइन था कि हम जो है इस पर कोई विचार नहीं कर सकते, आपको जो बोला गया वही कीजिए। इस तरीका से क्या हुआ, हमको तो अपना नहीं मान रहे, हम तो उनको अपना मान रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। और ये पेमेंट उनको हर हाल में 302 का ही देना है, इसी विचार को लेकर हम अपने उपायुक्त महोदय के पास आए हैं कि सर इस पर कुछ ना कुछ तदित निर्णय लिया जाए। थैंक यू सर। सर सभी ट्रांसपोर्टर गण आए हुए हैं, डीबीएल के मनमानी रूप से ये भाड़ा में 2 रुपया कटौती की है डीबीएल ने, बिना कोई सूचना दी हम ट्रांसपोर्टर को। अप्रैल माह में गाड़ी चला हम लोग को, मई माह में जब हम लोग बिल जमा करने गए तो डीबीएल का कहना है कि 302 रुपया दे रही थी, 300 रुपया के रेट से बिल जमा करना, और डीजल भी 96 के रेट से काटने को कर रही है, जबकि डीजल का अभी प्राइस मार्केट प्राइस है पंप का 93 रुपया 88 पैसा, लेकिन कंपनी 96 रुपया काटने की बात कर रही है। और आप सभी से छुपा नहीं, जैसा आप लोग भी मीडिया बंधु सारे जानते हैं कि अभी पाकुड़ मार्ग की स्थिति क्या है, ट्रांसपोर्टर किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं, 40 से 50 ट्रिप में किसी तरह मुश्किल से लग पा रही है, उस पर टायर का दाम, गाड़ी का दाम 15-20% की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि हर साल मार्च में भाड़ा बढ़ने की बात की कंपनी से, और कंपनी बिना ट्रांसपोर्टर से वार्ता किए हुए 2 रुपया रेट घटाकर चलवा लिए, उसके बाद 2 रुपया घटाकर बिल सबमिट करने को कर रही है, तभी वो पेमेंट करेगी। आप लोग इससे पहले क्या, हमने उन्हें लेटर भी दिया है, आवेदन भी दिया है कंपनी को, क्या डीबीएल को 18 तारीख को, उनमें पुनः विचार करते हुए हमारा जो 302 रेट था उसी पे हम बिल जमा करेंगे, या तो जो डीजल का रेट है पंप का 93 रुपया 88 पैसा आप उससे काटिए, लेकिन वो कंपनी अड़ी हुई है कि हम 96 के रेट से काटेंगे और 300 रुपया कैसे आप बिल बनाइए। कब से ऐसा हो रहा है ये, अप्रैल चला के ये मई महीने में जो बिल करेंगे हम लोग अप्रैल का,
उसके लिए कर रही है। पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई थी, ना ट्रांसपोर्टर से वार्ता हुई। मतलब आप लोग जब कोई भी पहले तो बोले हम इसमें सोचते हैं, लेकिन फाइनली फिर दो दिन पहले हम लोग गए थे, उनके GM राधारमन सर से बात हुई, उन्होंने बोला नहीं कंपनी का फाइनल डिसीजन है कि 300 रुपया रेट और 96 रुपया डीजल के रेट से ही कटिंग करेंगे। आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति है कि अगर हम अपने उपायुक्त महोदय के पास आए हुए हैं, उनसे न्याय की हमें उम्मीद है कि 3 दिनों के अंदर ये हमें चूंकि बिल हो जाना है, बिल के लिए दबाव बनाया जा रहा है कंपनी की तरफ से, तो 3 दिनों के अंदर उपायुक्त महोदय से आग्रह करेंगे हम लोग कि इस पर कंपनी से बात करके वो हमें न्याय दिलाए, चूंकि ये प्रजातंत्र है, उसमें इस तरह तानाशाही रवैये से बिना कोई सूचना दिए कंपनी इस तरह के ये कर रही है। और BGR यहीं पर बगल में BGR कंपनी है जो कि 311.58 रुपया के रेट से बिल दे रही है, सेम दोनों का रेलवे साइडिंग भी सेम है, लोडिंग पॉइंट भी पचवाड़ा सेम है। एक कंपनी ये जो DC साहब लोगों ने यहाँ पर सभी ट्रांसपोर्टर के बीच में वार्ता हुई थी उसमें ये रेट तय हुआ था, लेकिन DVL मनमाने तरीके से वो रेट नहीं दे रही है, जबकि यहीं पर VGR दे रही है, लोकल को प्राथमिकता दे रही है। एक भी बाहरी ट्रांसपोर्टर को VGR ने ट्रांसपोर्ट नहीं दिया, जबकि DVL UP से, कलकत्ता से सारे ट्रांसपोर्टर आ रहे हैं, पंजाब से गाड़ियाँ आके चल रही है, लोकल लोग जाते हैं तो उनका गाड़ियाँ पास नहीं होती है, ये मनमानी रवैया चल रहा है DVL का, जिससे हम लोग अनुरोध करेंगे इस पर को प्राथमिकता दी जाए, जो रेट तय थी कम से कम 302 रुपया उस पर अभी फिलहाल ये होना चाहिए। अभी तक रेट न हमने तय किया था न कंपनी ने तय किया था, वो DC साहब इससे पूर्व जो DC साहब थे उनके समक्ष ट्रांसपोर्ट ट्रक ऑनर एसोसिएशन के सामने ये रेट तय हुआ था, ये रेट अभी रहेगा और आने वाले समय में उस हिसाब से बढ़ेगा। वो DC साहब चले गए, ट्रांसफर हो गया, अब नए DC साहब आए हुए हैं, इनके आने इनके जानकारी के बिना और बिना किसी ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन को या ट्रक ओनर एसोसिएशन को सूचित किए हुए DVL मनमाना तरीका से रेट को घटा दिया है, और वो भी गाड़ी चलाने के बाद, पहले इन्फॉर्मेशन नहीं था हम लोगों को, गाड़ी चलाने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आया। हो सकता है कि इस मंथ जो गाड़ी हम लोग चला रहे हैं अगला मंथ हम लोगों को बोले कि 290 के रेट से बिल जमा कीजिए, इस तरह के तरीके पर इस तरीका जो कंपनी अपना मनमाना तरीका लगाया हुआ है, इसीलिए हम लोग फिर उपायुक्त महोदय के पास इसका गुहार लेकर के आए हैं, जल्द से जल्द इसका समाधान करने का आग्रह कर रहे हैं, इसीलिए कि GST बिल का मामला है, 72 घंटे के अंदर सर से आग्रह होगा कि हम लोग का इस समस्या का समाधान करें। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि तो जानकारी के लिए बता दें कि पिछली बार जो DVL कंपनी के साथ हम लोगों का भाड़ा तय हुआ था ये DC साहब की मौजूदगी में हुआ था, वो ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष उस वक्त थे विष्णु शाह जी, वो खुद मौजूद है, आपको बता देंगे कि उनके सामने तय हुई थी रेट 306 रुपये हुआ था। इसके बाद उस पर एक्सीडेंटल या जो भी था उसके नाम पर फाइनल हुआ 302 में हम लोग अचानक बिना किसी को सूचित हुए सामने है। यदि आप लोगों की मांग, हम लोग का ये स्टेप रहेगा कि हम लोग अपनी गाड़ियाँ पहले तो स्वतः खड़ा करेंगे और आगे की रणनीति जब हम लोग का एसोसिएशन का बैठक होगा इसके बाद सबके सामूहिक निर्णय जो होगा वो करेंगे। पाकुड़ से CNews संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड से, जहां आज STF एंटी नारकोटिक्स कुमाऊं यूनिट को उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में जनपद चमोली में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जिसमें 4 भालुओं के पितवजन 460 ग्राम के साथ 2 शातिर वन्य जीव तस्कर गिरफ्तार किए गए। STF एंटी नारकोटिक्स कुमाऊं यूनिट उत्तराखंड द्वारा जनपद चमोली पुलिस एवं फीडर वन रेंज टीम एवं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल यूरोप के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्य वन जीव तस्कर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 भालू की पित्त की थैलियां वजन 460 ग्राम बरामद किया गया। बरामद भालू की पित्त की थैलियों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार अभिकरण कई वर्षों से वन्य जीव अंग की तस्करी में संलिप्त था, लेकिन STF नारकोटिक्स की मुसाइदी की वजह से STF ने इनको गिरफ्तार कर उनके पास से 30 लाख रुपए के लगभग माल बरामद कर 2 मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है। हमारी STF की टीम है, ये वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए भी काम करती रहती है, जो वाइल्ड लाइफ से संबंधित स्मगलिंग होती है उस पर हमारी टीम लगातार नज़र बना कर रखती है और इसको बंद कराने के लिए, इनको पकड़ने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। तो इसमें एक बड़ी सफलता हमारी टीम को हासिल हुई है और 2 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो गिरफ्तारी है ये थराली चमोली जिले से हुई है और इनके कब्जे से 4 भालू की पित्त की थैली बरामद हुई है, जिनका कुल वजन लगभग 460 ग्राम है। इसका जो मेन मार्केट है वो बाहर रहता है और ये सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट के लिए ले जाई जाती हैं, तो ये जो तस्कर थे ये एक्सपोर्ट के लिए इसको ले जाने की फिराक में थे, इसी बीच में हमारे द्वारा पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये पूर्व में भी इस प्रकार के वन्य अपराधों में संलिप्त रहे हैं, पूर्व में भी इनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और इस तरह के केसेस में जा चुके हैं, तो इसमें हमारी टीम लगातार आगे भी सक्रिय रहेगी और
कोई भी अगर वन्य जीव तस्करी से संबंधित कोई भी अपराध करेगा तो उस पर हमारी टीम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।